नमस्कार। डोसा ब्रेकफास्ट के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। आज हम मूंग का डोसा बनाएंगे। मैंने साबुत मूंग ली है जिसे 6 घंटे के लिए भिगोकर रखी थी। अगर हमें सुबह डोसा बनाना है तो रात को भिगोकर रख देंगे और सुबह मूंग को पीस लेंगे। एक मिक्सी जार में मूंग को लेंगे, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, अगर आप तीखा खाते हैं तो हरी मिर्ची ले सकते हैं। पेस्ट बनाकर एक बर्तन में लेंगे, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डालकर मिला लेंगे। हमारा बैटर डोसा बनाने के लिए तैयार है। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। लोहे का तवा रखेंगे गर्म होने के लिए। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। तवे में तेल लगाएंगे और फिर अपना बैटर डालेंगे और बैटर को डोसे के आकार में गोल गोल घुमाकर बढ़ा लेंगे। इस तरह से 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट में नीचे की तरफ से डोसा पकने लगेगा, उसका कलर इस तरह से बदल जाएगा और किनारों से तेल डालकर कलछी की सहायता से पलट लेंगे। पलट कर दूसरी तरफ भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ऊपर से तेल डालेंगे और पकने देंगे। 2 मिनट में डोसा दूसरी ओर भी पक जाएगा। दोनों तरफ से डोसा हमारा सिककर तैयार है। इन डोसों को हम सांभर, चटनी, सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरह से सभी डोसों को हम पका लेंगे। आप ज़रूर घर पर बनाइए। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।